अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी नॉर्मल वीडियो को फुल एचडी में, अल्ट्रा एचडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और फुल एचडी। आपने जस्ट कैपकट को यूज़ करना है और मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी नॉर्मल वीडियो को फुल एचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपसे पहले तो आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट। जैसे सेलेक्ट करना है तो अब आपने सेलेक्ट करनी है अपनी फोटो वीडियो जिसको आपने एचडी में कन्वर्ट करना है। यहाँ से मैंने वो वीडियो सेलेक्ट कर लिया जिसको मैंने एचडी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैं इसे ऐड करता हूँ। तो जैसे मैं इसे ऐड करता हूँ तो उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने वीडियो कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपने एडजस्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो एडजस्ट के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रॉल करना है और जाना है ग्राफिक्स के ऊपर और यहाँ से आपने अप डाउन कर देना है। सारे कलर को आपने अप डाउन कर देना है। सारे कलर अप डाउन करने के बाद आपने उसके बाद सेलेक्ट करना है इफ़ेक्ट्स। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है वीडियो इफ़ेक्ट और यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लर। तो फर्स्ट वाला आपने इसे यूज़ कर लेना है। तो उसके बाद आपने इस वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपने दोबारा न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और अब आप आपने ओरिजिनल वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपने ऐड करनी है। तो ओरिजिनल वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं एंडिंग वाटरमार्क रिमूव करता हूँ। उसके बाद अब आपने ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है। अब आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपने अभी एक्सपोर्ट की थी ब्लर वाली, इसको कर लेना है आपने एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आपने स्प्लाइंस पे क्लिक करना है और जाना है बॉर्न के ऊपर। बॉर्न को कर देना है आपने 20 और उसके बाद अब आपने दोबारा ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है। अब आपने सेलेक्ट करना है एक वाइट वॉलपेपर, इसको आपने कर लेना है कम्प्लीटली एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा स्प्लाइंस पे क्लिक करना है, अब जाना है ओवरले के ऊपर। अब आपने इसे कर देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर देना है। मैं रखता हूँ 70 के ऊपर। तो ये वाला आपने वीडियो को कंप्लीट के ऊपर रख देना है। अच्छा, उसके बाद अब आपने जाना है दोबारा एडजस्ट के ऊपर। अब यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से ब्राइटनेस बढ़ा लेनी है, कंट्रास्ट भी अपनी मर्ज़ी से करा सकते हैं, सैचुरेशन भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और शार्पन को आप फुल कर दें। तो ये वाला करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद आपने जस्ट वीडियो को कर लेना है सेव। वीडियो सेव करने के बाद आपकी जो ये नॉर्मल वीडियो है फुल एचडी में कन्वर्ट हो जाएगी।